नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं चैनल पर न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। लगातार बात हो रही है, दरअसल नई जो सरकार है उसका शपथ ले लिया और सरकार ने काम भी शुरू कर दिया। लेकिन सरकार के काम शुरू करते के साथ ही सवाल उठने लगे कि क्या कद्दावर जो नेता है पार्टी के, जो एनडीए गठबंधन है, जो घटक दल है, वो नाखुश है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार हमने देखा एनसीपी के नेता नाराज दिखाई दे रही है, जेडीयू को भी कोई खास पद यहाँ पर नहीं मिला। लगातार जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका पद मांगा जा रहा था। पीडीपी क्या करेगी, क्या वो अध्यक्ष का पद मांगेगी? और उसके अलावा आप जिस तरीके से कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम जो विपक्षी दल है वो कर रहा है, वो कह रहा है कि झुंझुना थमा दिया। अब झुंझुना थमा है क्या, उनको भड़काने की कोशिश, वो अपनी जुगत में लगे हुए विपक्ष, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन है नाराज, किसे खुश करने की जरूरत है, मोदी सरकार आखिरकार कैसे अपनी सरकार अगले 5 साल तक चलाएगी, क्योंकि नाराजगी पहले दिन से ही जारी है। चलिए अपने कार्यक्रम का आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के दौरान हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, नवीन धमीजा जी, उनका स्वागत कर लेते हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निशा जी। नवीन जी, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि मंत्री पद को लेकर लगातार घमासान जो है यहाँ पर दिखाई देने लग गए हैं एनडीए के अंदर। पहला ही दिन हुआ, एक दो दिन ही हुए हैं अभी फिलहाल। क्या लगता है आखिरकार सरकार कैसे चलने वाली है, और जिस तरह की खींचतान चल रही है, आपको लगता है लंबा वक्त लगेगा इसे टूटने में? देखिए निशा जी, लोकसभा चुनाव के जिस दिन परिणाम आए 4 जून को, उस दिन ये बात तय हो गई थी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, अपनी अगर सरकार बनानी है तो सहयोगी दलों का साथ लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, बहुमत से 32 सीटें उनके पास कम रही। तो अब सहयोगी दलों के बिना वो सरकार नहीं बन सकती थी। सहयोगी दलों के साथ उनकी बैठकों के दौर चले, उसके बाद ये तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की सरकार बनेगी और उसमें टीडीपी का साथ रहेगा, उसमें जेडीयू का साथ रहेगा, उनके सहयोग से ये सरकार बन पाएगी। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लगातार जो बैठकें चली, ये माना गया कि ये दोनों नेता नरेंद्र मोदी के साथ तोल बोल कर रहे हैं, अपनी शर्तें रख रहे थे। क्योंकि जब भी किसी सहयोगी के दम पे कोई भी सरकार बनती है, निश्चित तौर पर सहयोगियों का साथ लेना होता है। उनकी शर्तें अपनी अपनी अलग अलग शर्तें होती हैं, हर पार्टी के अपने अपने सिद्धांत है, अपने अपने उनके मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे कुछ और हैं, उनका एजेंडा कुछ और है, जेडीयू का एजेंडा अलग है, टीडीपी का एजेंडा अलग है। तो उन्होंने अपने एजेंडे के हिसाब से अपनी शर्तें प्रधानमंत्री के सामने रखी, होने वाले प्रधानमंत्री के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने रखी। और उन्होंने जो मेन शर्त थी, उन्होंने ना केवल अपनी पार्टियों के लिए मंत्री पद मांगे, बल्कि उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के रूप में उन्हें अमित शाह स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा गृह मंत्री आपको बदलना होगा। उन्होंने स्पीकर की मांग की, उन्होंने कहा लोकसभा में स्पीकर हमारा होगा। उन्होंने और कई अहम मंत्रालय जो मांगे थे, लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, 2 दिन पहले शपथ समारोह हुआ, तो ऐसा लगा उन सहयोगी दलों को बिल्कुल गुड्डे लाइन लगा दिया गया है, उनको नकार दिया गया है, उनकी नहीं चली। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और जो मंत्री उन्होंने बनाए उसमें ज्यादातर वही पुराने मंत्री थे जो उनके 2019 के मंत्रिमंडल में जो सहयोगी थे। उन्होंने ज्यादातर बड़े मंत्रालय अपने उन्हीं सहयोगियों को दोबारा दिए, उसको रिपीट किया गया, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो निर्मला सीतारमन हो। अब ये देखिए, सारे जितने भी अहम मंत्रालय थे उन्होंने अपने पुराने सहयोगियों को दिए, जबकि ये माना जा रहा था कि सरकार का सहयोग करने वाले टीडीपी जेडीयू को ये इनमें से कोई ना कोई मंत्रालय दिए जाएंगे। लेकिन जब उनको ये मंत्रालय नहीं मिले तो निश्चित तौर पर उनका निराश होना, उनका नाराज होना लाजमी दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब वो सरकार से देखो वो कितने दिन समर्थन वो देंगे, या वो कोई और डिसीजन लेंगे इस मुद्दे पर। और अगर वो डिसीजन लेंगे, या मोदी ने अगर उन लोगों को मंत्रालय नहीं दिए,
तक क्या उन्होंने कोई और रणनीति तय की है? हो सकता है उन्होंने भी कोई ऐसी रणनीति तय कर ली हो कि अगर ये हमारे समर्थन वापिस लेंगे तो हम अलग तरीके से सरकार बनाएंगे, हम बहुमत साबित कर देंगे। तो ये बात पहले दिन से तय मानी जा रही थी कि अगर ये नाराजगी दूर करने के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि उस दौरान तो डेफिनेटली अगर बात की जाए नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनको भी उम्मीदें रही होंगी, टीडीपी को भी उम्मीदें रही होंगी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि अमित शाह को गृह मंत्री के तौर पर नहीं चाह रहे थे, तमाम चीजों को कहीं ना कहीं उन्होंने रिपीट किया। जो कम से कम दर्जन भर ऐसे मंत्री है जो कि जिनके पास पुराना मंत्रालय था उनको मंत्रालय जो है रिपीट किया गया है। अब आगे कैसे करने वाले हैं क्योंकि इन सभी को बड़ा मंत्रालय चाहिए, और दूसरी तरफ आग में घी डालने का काम कर रहा है विपक्ष। वो कह रहे हैं कि झुंझुना थमा दिया है, कहीं ना कहीं वो अपने पाले में लाने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन अब आगे भी कैसे शांत किया जाएगा क्योंकि सहयोगियों को फिर समर्थन कैसे मिलेगा। एक बड़ा और मेजर रोल है इस वक्त टीडीपी का और जेडीयू का एनडीए गठबंधन में बीजेपी सरकार को बनाने में। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के की और खबरें आई कि इन लोगों ने अपनी शर्तें रखी हैं, अपने मंत्रालय उन लोगों ने मांगी हैं, और जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ ये दिखाई दिया उन लोगों को कोई अहम मंत्रालय नहीं दिया गया, कोई बड़ा स्थान नहीं दिया गया, तो उनका नाराज होना लाजमी था। और विपक्ष को ये मौका मिला, भाई विपक्ष इस बात काफी आप ये देखो मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है, और विपक्ष ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेगा जब यह मौका मिल रहा हो कि जो सहयोगी दल हैं उनको साथ लेने का, कि वो सहयोगी दल को गर्म करें, सहयोगी दल को वो कहें कि तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम लोगों की नहीं सुन पाई थी। तो ये मौका, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने भी मुझे लगता है ये जरूर तय किया होगा कि अगर इन लोगों ने समर्थन वापिस लिया तो उनको अपनी सरकार कैसे बचानी है। उन्होंने भी कोई ना कोई फॉर्मूला अपनाया होगा। अब देखना ये होगा, ये सरकार गिराते हैं या सरकार इनके सांसदों को तोड़कर इनकी पार्टी तोड़ती है, क्या होगा? सांसदों को तोड़ने की बात आपने की है, तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इसमें तो काफी ज्यादा मोदी जी या बीजेपी माहिर है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को तमाम सांसदों को जो है तोड़ लिया जाए। अगर अध्यक्ष जो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल है, फिर चाहे जेडीयू हो, टीडीपी हो, उनका नहीं रहा तो कहीं ना कहीं मुश्किल है जो घटक दल के अंदर जो लोग हैं उनके लिए बढ़ सकती है, कहीं उनका ही सांसद टूट कर बीजेपी में शामिल ना हो जाए। देखिए लोकसभा में स्पीकर का पद बड़ा अहम पद होता है, उसका बड़ा अहम रोल होता है सदन के अंदर। जब कोई पार्टी टूटती है तो उस पार्टी के सदस्यों की सदस्यता रखनी है, बरकरार रखनी है या खत्म करनी है, इसका निर्णय स्पीकर को लेना होता है। तो स्पीकर के पास बड़ी पावर होती है, उनके पास अपनी शक्तियां होती हैं, तो इसलिए स्पीकर का पद बड़ा अहम होता है। और टीडीपी अपने शुरू से पहले दिन से कह रही है कि स्पीकर हमारा होना चाहिए इस बार सदन में। अब स्पीकर किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पीकर के लिए भी चुनाव होगा और चुनाव में विपक्ष का रोल भी बहुत अहम होगा। तो ये डिसाइड करेगा स्पीकर कौन बनेगा, सरकार बनेगी या सरकार गिरेगी या इनके दल टूटेंगे, ये अभी समय बताएगा। और ये स्पीकर उसमें जो है क्या अहम रोल अदा करेगा, स्पीकर पर डिपेंड करेगा कौन स्पीकर बनता है, वो क्या रोल अदा करेगा। समय कहीं ना कहीं अभी फिलहाल की जो स्थिति में कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल खड़ी करती हुई जो है एनडीए सरकार के सामने है, मोदी सरकार के सामने इस वक्त दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष नाराज है, मैं एनसीपी की बात कर लूँ, शिंदे गुट शिवसेना की बात कर लूँ, उनमें नाराजगी है। नीतीश कुमार के बारे में जिस तरह से मंत्री मंडल में शामिल होने से पहले जब कयास लगाए जा रहे थे कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेने वाला, तब लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जो है पांच सीटें, पांच मंत्रिमंडल, पांच कैबिनेट में जो है जगह मांग रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि वहां पर क्यों नहीं दिया? अब एनसीपी भी नाराज है, शिवसेना जो शिंदे गुट है वो भी नाराज दिखाई दे रहा है, और अगर ये लोग भी अगर ऐसे नाराज हो गए तो एक बड़ी विकट स्थिति बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती है। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, अजीत पवार भी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है जो अहमियत उनको मिलनी चाहिए थी वो अहमियत उनको नहीं मिली। और अगर एक एक कर ऐसे एक एक सांसद एक एक मंत्री नाराज होते चले गए तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं संकट पैदा हो जाएगा।
और कहीं ना कहीं ये भी नाराजगी ऐसा नहीं कि पर्सनल लेवल पे या अंदर ये जो नाराजगी है ऐसा नहीं कि पर्सनल लेवल पे या इंटरनल बीजेपी के साथ जो है बातचीत करके सुलझाई जा रही है। तमाम चाहे प्रफुल्ल पटेल की बात कर ले, उन्होंने कहा कि मैं राज्य मंत्री क्यों करूं जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था। यहाँ पर श्रीराम बराड़े जो कि शिंदे गुट से आते हैं शिवसेना से, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कहा हमने कैबिनेट पद जो एक्सपेक्ट किया था। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी गलत ही नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी जिनकी एक ही सीट थी और उनके मंत्रालय दे दिया गया, इंडिविजुअल मंत्रालय दिया गया, चिराग पासवान को दिया गया, तो नाराजगी उनकी जायज है। और जिस नाराजगी की हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल लेवल पर नहीं, नाराजगी मीडिया के सामने भी है, तो ये भी एक नाराज गुट भी एक तरीके से इकट्ठा हो रहा है जो कि मुश्किलें खड़ा कर सकता है बीजेपी के लिए। देखिए निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है, एक समस्या पैदा हो सकती है, एक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि जिन सांसदों के जिन जिन पार्टियों के एक एक दो दो सांसद आए हैं वो भी इस वक्त अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। उनको भी इस बात का ही है, उनको बड़ी उम्मीद थी, उन्हें लग रहा था कि अब सरकार उनके ऊपर टिकी टिकी होगी, उनके उनका वोट सरकार बनाने में बड़ा अहम रोल अदा करेगा, उनके बिना सरकार नहीं बन पाएगी। अब प्रधानमंत्री किस किस को खुश करेंगे, सरकार किस किस को खुश करेगी, किस किस को बड़े मंत्रालय देंगे, किस किस को अहम मंत्रालय देंगे, तो इस तरीके से मुझे नहीं लग पाता कि ये सरकार आगे कितना लंबा चल पाएगी, किस किस को खुश कर पाएगी, या सरकार चलाने के लिए फिर से ईडी का इस्तेमाल होगा, फिर से ईडी लोगों के घर पहुंचेगी, नेताओं के पहुंचेगी, पार्टियों के पास पहुंचेगी। क्योंकि पिछली सरकार में आप देखो, पिछली सरकार में जो कार्यकाल रहा है, विपक्ष हमेशा इस बात का आरोप लगाता रहा है कि ये सरकार में ईडी, सरकार को चलाने में ईडी ने बड़ी अहम भूमिका अदा की है। अगर उस बात को माना जाए तो इस बार ईडी क्या करेगी और सरकार अपना बचाव कैसे करेगी, सरकार कैसे चलेगी, ये दल क्या रोल अपनाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरकार के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हैं, सरकार इतनी आसानी से चलती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, सरकार इतनी आसानी से चलती हुई नजर नहीं आ रही है, इसीलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम कद्दावर नेता जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, जो तमाम घटक दल इस वक्त एनडी के साथ जुड़े हुए उनमें नाराजगी दिखाई दे रही है, और इंटरनल लेवल पर नाराजगी नहीं है, ये बाहरी रूप पर दिखाई दे रही, मीडिया के सामने भी बकायदा आया जा रहा है। कहा दिशा जी, आप ये देखिए इन सहयोगी दलों के साथ साथ आरएसएस का इस वक्त रवैया, इन्होंने चुनाव के समय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा था, बयान दिया था कि हमें चुनावों में आरएसएस की जरूरत नहीं है, सही बात, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये बयान दे दिया और चुनावों के परिणाम जब आए तो ये बात दिखाई दी कि आरएसएस का साथ ना होना भारतीय जनता पार्टी को कितना भारी पड़ा। मतलब आरएसएस उनके साथ थी तो उनका यह बड़ा स्पष्ट बहुमत आ रहा था, आरएसएस हमेशा जमीन से जुड़ी हुई रहती थी, उनके लिए काम करती थी, तो सरकार को एक बड़ी सपोर्ट रहती थी। लेकिन अब आरएसएस भी खुल करके कह रही है अगर आपको सरकार चलानी है तो झूठ की बुनियाद पे कोई सरकार नहीं चलनी चाहिए। आरएसएस भी अब इनके खिलाफ कुछ ना कुछ, अब ये देखिए ना आरएसएस का ही है, अब आरएसएस भी चुप नहीं बैठी है, आरएसएस भी पलटवार कर रही है, वो भी जवाब दे रही है आरएसएस भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो सहयोगी दलों के अलावा अब इनको आरएसएस का भी दबाव इन पर बना हुआ है। तो मतलब ये माना जाए विपक्ष तो संतुष्ट है ही नहीं, चले विपक्ष का तो बनता है, कोई भी पार्टी जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो संतुष्ट होती नहीं है, एनडीए के अंदर एक हमासान दिखाई दे रहा है, ऊपर से आरएसएस की बात करें तो कहीं वो कहीं ना कहीं वो भी जिस तरीके से मोहन भागवत का जो बयान है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बयानबाजियों पर ध्यान देने के बजाय हमें मणिपुर पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको लगता है आरएसएस भी कहीं ना कहीं मोदी के नेतृत्व से असंतुष्ट है? देखिए मोहन भागवत ने बकायदा ये कहा कि मणिपुर में जिस तरीके से वहां दंगे फसाद हुए, हिंसा हुई और सरकार की चुप्पी, उन्होंने उस पर सवालिया निशान उठाए हैं, उन्होंने कहा उस पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, मणिपुर का मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि सिर्फ झूठे वायदों से सरकार नहीं चलती, झूठ बोलने से नहीं चलती। तो मोहन भागवत का ये बोलना पूरे आरएसएस को, यानी उन्होंने एक संदेश दिया है, ये उन्होंने सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो सरकार के साथ जहां सहयोगी दलों का एक
विपक्ष विपक्ष के रूप में सहयोगी दल दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष अपने आप में विपक्ष है ही, लेकिन सहयोगी दल भी एक किस्म से विपक्ष की भूमिका में आ रहे हैं। वही आरएसएस भी उनके ऊपर वार कर रही है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो जो गठबंधन के अंदर है वो लोग भी नाराज है, एनसीपी नाराज है, शिंदे गुट की जो शिवसेना है वो नाराज है। अभी नीतीश बाबू का पता चलेगा, अगर उनको अध्यक्ष का पद नहीं मिलता या टीडीपी में अध्यक्ष का पद नहीं मिलता तो दो फाड़ डेफिनेटली नजर आएगी। मोहन भागवत नाराज है, आरएसएस नाराज है। तो जो तमाम अपने ही इस राजनीतिक रेस में, इस प्रधानमंत्री की रेस में जो है कहीं ना कहीं तमाम अपने जो पीछे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से बीजेपी का आधार कहीं ना कहीं आरएसएस रहा है और हमेशा 2014 इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो कल तक सरकार के साथ खड़े थे आज वो भी सरकार के साथ नहीं है, आज वो भी सरकार के विरोध में है। और सच्चाई तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो आज के साथ मौके की तलाश में हैं। पता नहीं कब बगावत हो जाए और कब इनके नेता कब दूसरी साइड चले जाएं, कब पाला बदल लें, इस बात का भरोसा नहीं है। बहुत सारे नेता जब हम लोग बात करते हैं तो वो इस बात को कहते हैं, लेकिन जब वो मंच पर आते हैं, जब वो स्क्रीन पर आते हैं, जब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं तो वो मोदी का गुणगान करते हैं, लेकिन अगर उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए तो वो कहते हैं हम लोगों के पास कोई पावर नहीं है, हम कोई काम नहीं कर सकते, हम लोग मंत्री जरूर है, सिर्फ नाम के लिए मंत्री है। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक उबाल है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनको मौके की तलाश में दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बगावत का धुआं पार्टी के अंदर है, एनडीए के अंदर चल उठा है और वो धुआं बाहर भी आने लग गया है। अब आने वाले समय में क्या है, धुआं आग में कन्वर्ट होगा, क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार थे नवीन जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से अगर हम बात करें एनडीए की तो तमाम अपने लोग दूर होते जा रहे हैं। अभी और ज्यादा सिर्फ डोवल की जो स्थिति है वो एनडीए के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनडीए के जो घटक दल है, जो बड़े दल है, 16 सीटें जो है टीडीपी को मिली है, 12 सीटें नीतीश कुमार को मिली है, 5 सीटें चिराग पासवान को मिली है, 7 सीटें शिवसेना शिंदे गुट को मिली है। तो जो शिंदे गुट है वो नाराज है, वही हमारे पास 7 सीटें, हमें आखिरकार कैबिनेट पद क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोई एनसीपी से नाराज है, वही हम तो कैबिनेट में मंत्री पहले रह चुके हैं, अब आप हमें राज्य मंत्री का पद दे रहे हैं। तो सेटिस्फैक्शन इस वक्त जो एनडीए का जो घटक दल है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आग लग चुकी है और आखिरकार सरकार को बचाएगी तो बचाएगी कैसे मोदी सरकार, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने उन फैसलों के थ्रू जो मंत्री पद जो उन्होंने डिसाइड किए हैं, जो 71 लोगों ने शपथ ली है, इसके थ्रू उन्हें कड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर की है कि भाई हम आपके साथ गठबंधन में जरूर है लेकिन हम मजबूत है, मजबूर नहीं है, हम अपने फैसले अपने हिसाब से लेंगे। तो अगर ये अपने फैसले अपने हिसाब से लेते हैं तो जो गठबंधन के घटक दल है वो क्या करेंगे, अगर वो अपने फैसले लेने लग गए तो फिर आखिरकार बीजेपी का क्या हाल होगा, ये वक्त बताएगा। आज के लिए कहता है नमस्कार, धन्यवाद निशा जी। Thank you.